रीवा से दुखद खबर है। अपना बता दी कि दुर्गा पूजन के प्रतिमा के विसर्जन करके लौटे वाले श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बतावा जाता है कि इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 40 लोग सवार रहे, जहां ट्रॉली पलटे के कारण 3 लोगों की मौत हुई गई है, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज खातिर अस्पताल में भर्ती करावा गया है। तो पूरी खबर हम अपना खाते लेके आने विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम पूजा अपना पंचे समझने का प्रणाम कहते शुरू गए थे बड़ी खबर से। अपना बता दें कि रीवा में ये बड़ा हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, जहाँ दुर्गा विसर्जन करके प्रतिमा विसर्जन करके श्रद्धालु से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली लौटत रही और रास्ते में पलट गई। इस दौरान 3 श्रद्धालु की मौत हो गई। बतावा जाता है कि घटना में 10 से ज़्यादा लोग घायल हमा। बतावा जाता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 40 लोग सवार रहे। सब रीवा के नई गढ़ी क्षेत्र के अष्टभुजा माता मंदिर के पास देवलहा नदी में मूर्ति विसर्जन करके लौटत रहे हैं। घटना करीब रात 1:30 बजे के बताई जाती, जहां सुमेधा गांव के पास ये घटना है। आसपास के जो लोग मौजूद रहे प्रत्यक्ष दर्शन के कहा है कि हादसा सड़क में बना गड्ढा के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली पलट के जिसके बाद यह दुर्घटना बड़ी दुर्घटना समूह आई। अपना बताई कि नई गढ़ी और मऊगंज से 12 एम्बुलेंस मौके में भेजी गई रही, जहाँ घायलन का मऊगंज सिविल अस्पताल भर्ती करावा गया। यहाँ डॉक्टर 3 श्रद्धालुओं का मृत घोषित कर दी। कलेक्टर मनोज पुष्प मृतकन के परिवार का उन्हें 4-4 लाख रुपया के मुआवजा दे के घोषणा करी है। मऊगंज SDOP नवीन दुबे के मुताबिक कुछ घायल का मऊगंज अस्पताल तक गंभीर रूप से जे घायल है उनका रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर कर दी। इनका हवा SP नवनीत भसीन बताएंगे कि रात में 2:30 बजे पुलिस के पास एक्सीडेंट की खबर आई रही, जहाँ घायलन के इलाज खातिर रात में डॉक्टरों की टीम का बुलवा लिया रहा। अपने बता दीजिए लोगों के ये दुर्घटना में मौत रही है। उनका नाम राजेश कुशवाहा निवासी चंद्रमौली गांव, अश्विनी पटेल निवासी चंद्रमौली गांव, रामू जगर निवासी चंद्रमौली गांव। हमें बतावा जाता है कि सड़क में बना गड्ढा या बड़ा हादसा के वजह बना दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे। बतावा जाता है कि कुछ लोग और रहे जिनका ट्रैक्टर ट्रॉली पीछे रही, जिसके कारण या जे हादसा के प्रत्यक्ष दर्शी रहे वह रोड में बतावा जाता है कि बड़ा गड्ढा है और यही वजह से आगे चलने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके बाद तुरंत 108 एम्बुलेंस का जानकारी दी गई। पर लालगंज के लगे एम्बुलेंस ज़्यादा देर तक जाम में फंसी रह गई और ऐसे में दूसरे एम्बुलेंस के मांग की गई। जब बहुत देर तक एम्बुलेंस जिसके बाद पहुँची, जितने बार घायल हम सब चंद्रमौली गांव के बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा में प्रभावित सब लोग चंद्रमौली गांव के रहने वाले आई। सब गांव पन्नी पथरिया के नज़दीक रतन गवा गांव से यह गांव लगा है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली जिनकर आए उनकर वीरेंद्र पटेल के नाम बतावा जाता है कि उनका यह ट्रैक्टर ट्रॉली आया जो दुर्घटनाग्रस्त है। माना जाता है कि हादसा ड्राइवर का नींद के झपकी आवे के कारण भाव हुई। पर पुलिस दूसरे पहलू में घलाए मामला में जांच की जा रही है। अपने बता दें कि आए दिन सड़क दुर्घटना में बड़ी मात्रा में केव न केव के जान जात रहा थी। पर बड़ी संख्या में दुर्घटना समूह होती है, कहाँ सड़क में बना गड्ढा जिम्मेदार होता था, कहाँ तेज रफ्तार तक और ड्राइवर के लापरवाही घलाए समूह आवती थी। इधर के पुन के बताया जाते कि सड़क में गड्ढा के कारण या श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जो में 3 श्रद्धालु के दुखद मौत हो गई। बेहतर सतर्क रही, सजग रही, सुरक्षित रही। तो इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।